हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिश फील्ड एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉन गैल्स वर्दी तो इनकी लाइफ के जो फैक्ट्स थे बाकी अगर इसमें कुछ आपको पॉइंट्स लगे कि इसमें कवर अप नहीं हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं कवर करूंगी बट दिस इज़ रिलेटेड टू बायोग्राफी तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स थे डेट्स थे वो सारी इसके अंदर मैंने इंक्लूड की है और उसको डिस्क्राइब किया है तो थोड़ा फेमिलियर हो जाइए इनसे फिर फैक्ट्स देखते हैं ल्स वर्दी अन इंग्लिश English एंड and playwright उनको एडवर्डियन एरा के राइटर भी कहा जाता था 1901 टू 1910 इसकी डेट है नेक्स्ट वीडियो में ये आपको डेट सब एक साथ में मिल जाएंगे डोंट वरी तो इनको एडवर्डियन एरा का राइटर क्यों कहा जाता था बिकॉज जितनी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम प्लेस के स्पेशली राइटर थे तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग की थी इनके बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जिनमें आप बेस देखेंगे तो वो प्रॉब्लम प्लेज है सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स रही हो उनको फेस करते हुए एनालाइज करते हुए इन्होंने अपने प्ले में डिपिक्ट किया है सो यू कैन सी क्लियरली व्हेन यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो उसमें कौन कौन से हैं लाइक जस्टिस है इनका जोस्लिन है बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेज हैं और गाइज प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं दिस इज द फेवरेट सेगमेंट ऑफ एग्जामिनर्स so early 20th century is also known as edwardian era now let's discuss about the facts about his life and please this is very important date of his birth is 14th august 1867 place at kingston hill surrey in england now death he died in 31st january uh, sorry, he died on thirty-first January in nineteen thirty-one. He is written here. So, so sorry for that. It is nineteen thirty-three. Nineteen thirty-three. 1930, at the age of sixty-five in England, where Grove Lodge in North London, in England. Ah, please nineteen thirty-one. Correct. Correct. Nineteen thirty-three. jaga. By disease, brain tumor. So here one point is very important of all the.

नाओ फ्रेंड्स बिफोर डिस्कसिंग समथिंग मोर आई वुड सजेस्ट कि आप भी जो प्रिपरेशन करें बायोग्राफी की वो पॉइंट वाइज करें मीन्स उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक करके करें ना कि उसको पैराग्राफ वाइज लर्न करने की कोशिश करें बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम इसको कैसे प्रिपेयर करें नाओ विल सी हिज अर्ली लाइफ इन एजुकेशन मीन्स उनकी एजुकेशन का क्या सिनारी था कब कहाँ आइए देखते हैं हिज अर्ली एजुकेशन एट बर्नमाउथ ये प्लेस का नाम है ईयर 1876 ही जॉइंड स्कूल नेम ऑफ दैट स्कूल वाज हेरो पब्लिक स्कूल इन 1881 1881 ही परफॉर्मड वेरी वेल ओवर देयर मींस ही वाज अ गुड स्टूडेंट हिज क्वालिटीज वर नाउ सी द क्वालिटीज इन हिम जॉन गैल्सवर्थी वाज एन एथलीट रनर कैप्टन ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे हेड ऑफ हाउस जैसे कि आपने हाउस देखे होंगे रेड हाउस ग्रीन हाउस येलो फैंटम हाउस बटरफील्ड हाउस सो इन दिस वे ही वाज़ द मींस ही वाज़ अ स्कॉलर ही वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ही जॉइन कॉलेज ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1886 so उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया था ऑक्सफोर्ड कॉलेज ही ऑल्सो टुक इन ऑनर डिग्री इन एटीन ही वॉज कॉल्ड द बार इन एटीन नाइंटी एट इन बट ने प्रैक्टिस आइए इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो वॉज कॉल्ड टू द बार एक बार थी जिसका uh, जो लिंक इन पे थी और वहां पर उनको अट्ठारह उन, सौ नब्बे में बुलाया गया था बट उन्होंने कभी इस चीज की प्रैक्टिस में नहीं लाए वो इसको

एंड वेन ही रीच देयर मीन्स जब वो वहाँ पहुंचे तो ही मेड अ फ्रेंड वहाँ पर उनके एक फ्रेंड बने द ग्रेट पॉलिश सेलर नोवलिस्ट जोसेफ कोनाड ये हमेशा पूछा जाता है तो जोसेफ कोनाड से वो मिले और वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए देन इन एटीन नाइनटी फाइव ही बिगेन एन अफेयर विद एडा नि पियर्सन कॉपर ये एडा नाम की जो थी लड़की उनसे उनका अफेयर हुआ वाइफ ऑफ इज काजन और ये जो एडा नेमेसिस थी वो उन्हीं के कजन की वाइफ थी जिनका नाम था मेजर आर्थर गर्ल्स नोट्स में भी है आप स्क्रीन लेके या पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ सीनियर गर्ल्स इन नाइनटीन फिर उन्नीस में गर्ल्स जो सीनियर गर्ल्स थे उनकी डेथ हो गई टेन इयर्स लेटर आफ्टर एडास डाइवोर्स दे गुट मैरिड इन उन्नीस सो पांच नाइनटीन हंड्रेड फाइव में उन लोगों की मैरिज हो गई एडा ने डायवोर्स ले लिया नाव अबाउट हिज करियर आफ्टर द डेथ ऑफ गैल्सि और ये सारी चीज़ें होने के बाद शादी होने के बाद ही विगेन हिज करियर एज अ राइटर इन एटीन नाइन्टी फाइव एज अ राइटर उन्होंने करियर स्टार्ट किया था एटीन नाइन्टी फाइव में और जो पूरा क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है एडानेमिसिस को गैल सऊदी विगैन हिज लिट्ररी करियर एज अ नोवलिस्ट ऑल्सो तो ये करियर की उन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग की और बाकी का जो इसका पार्ट है ना फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी अराइज फ्रॉम द लिटरेरी करियर उन्होंने कब कब क्या लिखा लाइक द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हे शॉर्ट स्टोरीज देन स्टूडियो नेम जॉनस जॉन नेम जॉनसन जॉन क्या है जॉन सन ऑफ जॉन है किसको वो डेडिकेटेड था इनका वर्क वो सक्सेसफुल था या फिर नहीं था और उसको इन्होंने क्या नाम दिया था माई फर्स्ट सिंह इन्होंने उसे नाम दिया था क्योंकि वो सक्सेस नहीं रहा था तो ये साइंस पॉइंट्स का वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाया है जिसमें आपको एक साथ अलग सेगमेंट में सिर्फ लिटरेरी करियर और इनकी जो नॉवेल्स थी और किस किस को इन्होंने डेडिकेट की और बाकी जितने भी इनके वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी डेट्स अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए तो ये पार्ट अभी जो आप देख रहे हैं वो पार्ट था इनके लाइफ से रिलेटेड अब नेक्स्ट पार्ट इसका आप जरूर देखेगा वो लिटरेरी करियर से रिलेटेड है देन आल्सो इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट यू फील लाइक बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स

and watch the next part of galsworthy's biography that is the literary career and please do comment and share so that and please subscribe also so that you can get all the videos and notifications clearly and timely and if you find this video very helpful in any of the way so please do comment in comment box because it gives an encouragement to upload more and more and to share knowledge with you all thanks for watching